अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आखिरकार वो बड़ा फैसला हो गया जिसका सबको था इंतजार। इस वक्त पाकिस्तान में तमाम बोर्ड इम्तहान खत्म कर दिए गए हैं, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। ऑफिशियल वीडियो शफकत महमूद साहब वफाकी वजीर तालीम ने क्या कहा है, सारी वीडियो ए टू जेड आपको हमारे फेसबुक पेज उस्मान खान टीवी पर मिल जाएगी। दुनिया न्यूज की ये रिपोर्ट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको बता दें कि तमाम तलबा तालबात को पिछले इम्तहान की बेस पे प्रमोट किया जाएगा। ये नौवीं के बच्चों को आठवीं के इम्तिहान की बेस पे प्रमोट करेंगे, दसवीं के स्टूडेंट को नाइन्थ के एग्जाम की बेस पे प्रमोट किया जाएगा और बारहवीं के इम्तिहान जो कैंसिल हो गए हैं उन तमाम बच्चों को ग्यारहवीं के रिजल्ट की बेस पे प्रमोट किया जाएगा। तमाम यूनिवर्सिटीज अब ग्यारहवीं की बेस पर दाखिले करेंगी। यूएचएस लाहौर के एम डी कैट का मेरिट भी अब ग्यारहवीं की बेस पर बनेगा। यूईटी लाहौर के ई कैट एंट्री टेस्ट का मेरिट भी ग्यारहवीं की बेस पर बनेगा। तमाम यूनिवर्सिटीज में दाखिले बोर्ड इम्तिहान कैंसिल होने की वजह से अब तमाम के तमाम फैसले तमाम इम्तिहानात कैंसिल हो चुके हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब ने वजीर आजम की मौजूदगी में बड़ा बयान जारी कर दिया और तमाम तफसील बता दी है। स्टूडेंट और वालदैन की जिंदगियां सबसे ज्यादा अहम है। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए मुल्क भर के तमाम बोर्ड इम्तिहान खत्म कर दिए गए हैं, कोई मुलतवी नहीं हुए, खत्म हो गए हैं, अब होंगे ही नहीं। तमाम स्टूडेंट आप खुशी मनाए और बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी टेंशन खत्म। और आज 7 मई को फाइनल फैसला जारी कर दिया गया है। लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। इंशाल्लाह ताला वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़।